आज अनमोल रत्न सेवा संस्थान द्वारा हिंदी पखवाड़ा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती के अवसर पर 27 मई खेल भारती कवि सम्मेलन सम्मान समारोह मर्चेंट चेंबर हॉल सिविल लाइंस में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन मार्यार्पण श्री गणेश गुप्ता मयूर ग्रुप ने किया। उसके पश्चात समारोह के स्वागत अध्यक्ष श्री अजय मिश्रा जी, अध्यक्ष प्रेम नारायण सोमानी और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा ने आगत अतिथियों मुख्य अतिथि माननीय सत्यदेव पचौरी सांसद कानपुर लोकसभा माननीय श्रीमती नीलमा कटियार जी, राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं देश के सुप्रसिद्ध मंच संचालक डॉक्टर शिवम अंबर एवं सम्मानित अतिथि अमरनाथ मेहरोत्रा को शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। ये इस संस्था का कार्यक्रम पिछले 27 सालों से मर्चेंट चैम्बर में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती एवं हिंदी पखवाड़ा पर अनवरत रूप से चलता आ रहा है। पहले कार्यक्रम में महामहिम मोतीलाल वोरा जी आए हैं, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी आए हैं और देश के भारत सरकार के प्रदेश के तमाम मंत्रीगण इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और देश के बड़े बड़े कवि गीतकार गोपाल दास नीरज जी, सोम ठाकुर, आत्म प्रकाश, भारत भूषण, इस प्रकार के हम अच्छी कविता को, संस्कारों से युक्त कविता को हमारा यहाँ देने का उद्देश्य है। और पिछले 27 सालों से बेस कार्यक्रम तो बहुत होते हैं लेकिन इस संस्था का 27वां कार्यक्रम है। इसमें देश के बड़े बड़े कवियों को जो संस्कारी कविता पढ़ते हैं उन कवियों को बुला करके प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती एवं हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर कवि सम्मेलन करते हैं। आज यहाँ पर कहाँ कहाँ से कवि उपस्थित हुए हैं? कवि देहरादून से आए हैं डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी और फर्रुखाबाद से डॉक्टर शिवम अंबर जी, छतरपुर से अबराम पाठक जी, इटावा से कमलेश शर्मा जो काव्य पाठ कर रहे हैं, सुखाबाद श्री प्रशांत उपाध्याय जी और गरिमा पांडे जी और स्थानीय कवि डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।